नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर सीरीज में आपका स्वागत है। और इस एफटीआर सीरीज के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था विषय लेकर मैं हूं आपके साथ आकाश से। भारतीय अर्थव्यवस्था विषय पर आधारित यह दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं एमसीक्यू के माध्यम से, और वह टॉपिक है राजकोषीय नीति या सरकार की आय एवं व्यय से संबंधित नीति। देखिए, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, राजकोषीय नीति, जिसे फिस्कल पॉलिसी के नाम से भी आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं और इसी वजह से, इसके इंपॉर्टेंस की वजह से, इस वीडियो में हम सिर्फ राजकोषीय नीति टॉपिक को ही डील करेंगे। कोई और टॉपिक इस वीडियो पर हम नहीं लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और इस क्वेश्चन पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। यहां पर आपको दिख रहा है निगम कर, सेवा कर, संपत्ति कर एवं आय कर। सबसे पहले तो बात यह आती है कि प्रत्यक्ष कर का तात्पर्य क्या है, प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है। देखिए, करों का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इन दोनों के मध्य अगर अंतर बनाया जाए तो प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात एक ही बिंदु पर होते हैं, सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट ऐसा लिख दीजिए। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं, डिफरेंट पॉइंट। इसका क्या मतलब है? देखिए, करापात का मतलब क्या होता है, जहां पर टैक्स लगाया गया, जहां पर कर का आरोपण हुआ, उसे करापात का बिंदु कहा जाता है। और कराघात किसे कहा जाएगा, जहां पर उस कर का भार पड़े उसे कराघात कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर आयकर पर बात करते हैं, इनकम टैक्स। ठीक है, तो देखिए, मेरी आय पर इनकम टैक्स लगा तो करापात वाला बिंदु कौन है, मैं ही हूं कि मेरी आय पर टैक्स लगा है। कर का आरोपण किस बिंदु पर हुआ, मुझ पर हुआ। और इस इनकम टैक्स को भरेगा कौन, मैं ही भरूंगा। तो जो इस कर का भार हुआ है, जो कर का आघात हुआ, वह बिंदु भी कौन है, मैं ही हूं। तो आयकर में करापात और कराघात दोनों मैं ही हूं, अर्थात एक ही बिंदु है, इसलिए आयकर को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष कर। या प्रत्यक्ष करके एक एग्जांपल में आप आयकर को देख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में जब हम देखते हैं तो करापात और कराघात दोनों अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हम उत्पाद शुल्क का एग्जाम्पल लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी का। तो जब वस्तुओं का उत्पादन होगा तब उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। तो करापात बिंदु कहां पर है, जहां पर उत्पादन हो रहा है या फिर उत्पादक जो है वहां पर इस कर को लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर के भार को जो उत्पादन करता है वो बढ़ा देगा कहां, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास बढ़ाएगा और रिटेलर जो है इस कर के भार को कंज्यूमर या उपभोक्ता के ऊपर बढ़ा देगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अंतिम में ये जो कर का पैसा है ये किसकी जेब से निकलने वाला है, तो एक कंज्यूमर की जेब से निकलने वाला है या उपभोक्ता की जेब से निकलने वाला है। तो करापात बिंदु उत्पादक था लेकिन कराघात बिंदु उत्पाद शुल्क में उपभोक्ता है, अर्थात करापात और कराघात दोनों अलग अलग बिंदुओं पर हैं। और यह अप्रत्यक्ष कर का एक एग्जांपल है, एक्साइज ड्यूटी, क्लियर है। चलिए, सबसे पहला तो अंतर यही हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया कि इसके भार को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, मेरी इनकम पर टैक्स कोई और नहीं देगा, ठीक है, मुझे ही देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप भार को शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा अभी आपने एक्साइज ड्यूटी पर देखा, ठीक है। तीसरे पर चलते हैं, प्रत्यक्ष कर का नाम प्रत्यक्ष कर क्यों पड़ा, यह तीसरा अंतर आपको बताएगा। देखिए, जो कर का स्रोत होगा उस स्रोत से प्रत्यक्ष वसूली होती है, इसलिए प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आयकर, ये जो पैसे हैं इसका स्रोत कौन होगा, मैं हूंगा, मेरे जेब से पैसा निकलेगा और सरकार को, हम दोनों के बीच कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा मैं किसी और को दूंगा वो किसी और को देगा, मैंने गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे किया, अर्थात तो जो कर अदायगी का स्रोत है वह प्रत्यक्ष रूप से सरकार को ये कर के पैसे या कर के रुपए जो है पे कर गया, क्लियर है। तो प्रत्यक्ष वसूली के कारण ही इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। लेकिन जब हम अप्रत्यक्ष कर देखते हैं तो यहां पर अप्रत्यक्ष तौर से स्रोत से वसूली होती है,
जैसे कंज्यूमर से कहां गया रिटेलर के पास, रिटेलर के पास से कहां गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से प्रोड्यूसर के पास गया, और प्रोड्यूसर के पास से गया गवर्नमेंट के पास। तो स्रोत यहां पर क्या है, कंज्यूमर, लेकिन प्रत्यक्ष ये वसूली नहीं हुई। इतने सारे लिंक इन सब के बीच में देखने को मिलते हैं, और इस वजह से, इस अप्रत्यक्ष वसूली की वजह से ही अप्रत्यक्ष नाम या अप्रत्यक्ष कर का नाम पड़ा। अब बात ये आती है, कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन पर हम लौट कर आते हैं। तो देखिए, सामान्य तौर से धन एवं संपत्ति पर जो कर लगाए जाते हैं वो प्रत्यक्ष कर होते हैं, और वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगते हैं वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आप इसे समझ सकते हैं। अब यहां पर आपको दिख रहा है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। तो जो कॉर्पोरेट, जो निगम की आय होगी, उस आय पर जो टैक्स दिया जाता है उसे निगम कर कहा जाता है। तो ये भी आय पर टैक्स है, तो ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण बना। सेवा कर आते हैं, तो देखिए वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगेगा उसे मैंने क्या कहा, अप्रत्यक्ष। तो ये दूसरा वाला तो नहीं आएगा, तो जहां जहां पर भी टू है उसे आप क्या करिए, काट दीजिए। संपत्ति कर और आयकर, ये दोनों प्रत्यक्ष कर का हिस्सा बनेंगे। तो इस प्रकार से 1, 3, 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि कर की दर आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाए तो उसे कहते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली। ठीक है, एक तरफ आप क्या देख रहे हैं, कर की दर, यहां पर इस वाई एक्सिस में आप कर की दर देख रहे हैं, और एक तरफ आप देख रहे हैं आय। जब आपने देखा कि आय जो है वो इस संख्या पर है, 10 संख्या पर है, तब कर की दर कितनी है, इस 30 की संख्या पर है। और जैसे ही आय जो है वो 30 की संख्या पर पहुंचा तो कर की दर भी क्या हो गया, गिर के 10 की संख्या पर पहुंच गया। तो इसका क्या मतलब आप देख रहे हैं कि जो कर की दर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, आय से। क्लियर, अगर आय बढ़ रहा है तो कर की दर क्या हो रही है, घट रही है। ठीक, इसका विपरीत अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे आप, आय गिरेगी तो कर की दर क्या होगी, बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ये कहां पर देखने को मिलता है, तो ये प्रतिगामी कर प्रणाली पर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रगतिशील कर प्रणाली में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक इसके विपरीत की कहानी होती है प्रगतिशील कर प्रणाली में, या इसे ही प्रगामी कर प्रणाली कहा जाता है। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसमें प्रगामी में या फिर प्रगतिशील में, इसी पर ही हम इसे बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से ये बनेगा ग्राफ। यहां पर आप आय लिख दें, यहां पर आप कर की दर लिख दें रेट, और कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे जैसे आय बढ़ते जाएगी कर की दर में भी इजाफा होता जाएगा। मान लेते हैं कि यहां पर ए है तो कर की दर A1 हुई, और जब आय बढ़कर बी पॉइंट पर पहुंचा तो कर की दर भी बढ़कर B1 पॉइंट पर पहुंच गई। तो कम आय वाले पर कम कर का भार, अधिक आय वाले पर अधिक कर का भार, ये प्रगामी पर देखने को मिलता है, प्रगतिशील कर प्रणाली पर देखा जाता है। और किसी भी समाज कल्याणकारी राष्ट्र में सरकार जो कर व्यवस्था बनाती है वो प्रगतिशील कर प्रणाली ही बनाती है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, तो क्या ये प्रतिगामी जो है ये अन्यायकारी कर प्रणाली है? नहीं, इसकी भी एक अपनी महत्वता है, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, इसकी वजह से भी कुछ लाभ जरूर होता है, लेकिन उस पर हम डिस्कशन पर नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जरूर मानकर आप चलिए, चाहे प्रगामी हो चाहे प्रतिगामी हो, एक बिंदु के बाद सबको क्या होना पड़ता है, अनुपातिक कर प्रणाली बनना पड़ता है। अनुपातिक कर प्रणाली क्या होता है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं यहीं पर। ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, ये कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ दिखेगा। कर की जो दर होगी वो आय के साथ साथ नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी। आय बढ़ते जाएगी और कर की दर क्या होते जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। अब मैंने क्या बोला कि चाहे प्रतिगामी हो चाहे प्रगतिशील हो, ये दोनों ही एक बिंदु के बाद अनुपातिक कर प्रणाली हो जाते हैं। कैसे, देखिए अगर हम प्रगामी की बात करें और जिसका ग्राफ इस तरह से बना हुआ था, अगर ये ग्राफ ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा,
कि 100% इनकम पर 100% टैक्स का रेट पहुंच जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक पॉइंट के बाद इसे प्रोपोर्शनल करना होगा, अनुपातिक करना होगा कि भाई अब इस आय के बाद टैक्स की रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इनकम टैक्स का एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप प्रतिगामी कर प्रणाली देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब कर की दर शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट आकर इस पॉइंट से जुड़ जाएगा। तो इसे भी क्या किया जाता है, एक पॉइंट के बाद में कांस्टेंट कर दिया जाता है, प्रोपोर्शनल कर दिया जाता है, अनुपातिक कर दिया जाता है। तो चाहे प्रतिगामी हो या प्रगतिशील हो, एक बिंदु पर आने के बाद ये दोनों प्रकार की कर प्रणाली प्रोपोर्शनल हो जाती है, अनुपातिक कर प्रणाली हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर हम चलते हैं कि राजस्व प्राप्तियों में सम्मिलित है। तो पहले हम इस इमेज पर चले जाते हैं। ये है बजट के अव्यय या फिर कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट को आप दो हिस्सों में बांट दिए, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। क्लियर है? सार्वजनिक आय जब हम कहते हैं तो राजस्व खाते की प्राप्तियां और पूंजीगत खाते की प्राप्तियां सार्वजनिक आय के हिस्से बने। सार्वजनिक व्यय जब हम कहते हैं तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय सार्वजनिक व्यय के हिस्से बने। अब बात यह आती है कि राजस्व प्राप्ति के अंदर किस प्रकार की प्राप्ति होगी। तो ऐसी प्राप्ति जो सरकार पर देयता का सृजन नहीं करता या संपत्ति की बिकवाली से प्राप्त नहीं होता, वो राजस्व प्राप्ति के हिस्से बनते हैं। क्लियर है? देयता का सृजन नहीं करता कहने का तात्पर्य गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर कोई बर्डन ना आए। जैसे मान लेते हैं कि उधार अगर गवर्नमेंट ने लिया तो गवर्नमेंट के ऊपर ये लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट के ऊपर देयता का सृजन है, गवर्नमेंट इसे लौटाने के लिए बाध्य होगी। तो इस प्रकार की आय को हम राजस्व प्राप्ति के अंदर नहीं रखते। हम ऐसी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों के अंदर रखते हैं जिसकी वजह से सरकार पर किसी भी प्रकार की देयता का सृजन नहीं होता, सरकार उसे लौटाने के लिए बाध्य नहीं होती। अब यहां पर हम चले आते हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीज होगी। तो एक कर, जब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो क्या वो टैक्स की राशि लौटाने के लिए सरकार बाध्य है आपको? नहीं है। इसलिए कर आय जो है वो राजस्व प्राप्ति का हिस्सा बनते हैं। और गैर कर आय, तो देखिए सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ। तो जैसे कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उसमें गवर्नमेंट के शेयर हैं, तो शेयर के जितना वो कंपनी वो एंटरप्राइजेस लाभ अर्जित करेगी तो शेयर के अनुपात पर सरकार को वो लाभ मिल जाएगा। ठीक है? सरकार द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज, सरकार ने अगर कभी किसी को ऋण दिया है तो उससे जो सरकार को ब्याज प्राप्त होगा वह भी गैर कर राजस्व का हिस्सा बनेंगे। लाभांश भी किसी कंपनी में गवर्नमेंट ने मान लेते हैं कुछ शेयर खरीदा हो तो उससे जो लाभ मिलेगा वो भी किसी के हिस्से होंगे। और बाहरी अनुदान द्वारा आए, जैसे मान लेते हैं WHO ने कुछ अगर अनुदान कुछ ग्रांट दे दिया तो वह भी गैर कर राजस्व आय कहलाएंगे। ठीक है? अब ठीक इसी प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियों पर भी बात कर लेते हैं कि ऐसी प्राप्तियां जो सरकार पर देयता का सृजन करें जैसे ऋण, और ऐसी प्राप्तियां जो संपत्ति के विक्रय से प्राप्त हुई हो जैसे कि विनिवेश। अब विनिवेश क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये विनिवेश, अभी वर्तमान दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में रहता है विनिवेश वाला कंसेप्ट। क्लियर है? तो प्राप्तियों पर बात हमने कर ली, अब व्यय पर भी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। राजस्व में सरकार के ऐसे व्यय होंगे जिससे सामान्य तौर से किसी परिसंपत्ति एसेट का निर्माण ना हो। परिसंपत्ति का कहने का मतलब क्या है कि सरकार के ऐसे खर्चे जो सरकार के जेब में वापस से कुछ लाकर दें। क्लियर है? लेकिन राजस्व व्यय में सामान्य तौर से ऐसे खर्चे सम्मिलित नहीं होते। ऐसे खर्चे होते हैं जो उपभोग मूलक होते हैं, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च या फिर सब्सिडी, ये राजस्व व्यय के हिस्से होते हैं। पूंजीगत व्यय में क्या होंगे? तो ऐसे व्यय सरकार के जो परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं या उत्पाद मूलक होते हैं या उन खर्चों से देश की GDP बढ़ती है। तो इस प्रकार से बजट के अव्यय या फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट हमने देख लिया। अब इस प्रश्न पर चलते हैं और इस प्रकार के हर प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। राजस्व प्राप्तियों में हमने देखा सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा अर्जित आय सम्मिलित है, कर आय तो बहुत बड़ा हिस्सा है, लाभांश भी है और बाहरी अनुदान भी है, अर्थात ये चारों ही
राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित है, देखिए ऋण पूंजीगत प्राप्तियां किस प्रकार की प्राप्तियां थी, सरकार की ऐसी आय ऐसी प्राप्तियां जो सरकार पर देयता का सृजन करे। तो ऋण करता है, सरकार को आय तो मिल गया ऋण से, लेकिन ब्याज लौटाने के लिए सरकार बाध्य है, और जो तिथि होगी जो नियत तारीख होगी उस तारीख को मूलधन लौटाने के लिए भी सरकार बाध्य है। तो देयता का सृजन होगा ऋण से, तो इस प्रकार से पूंजीगत प्राप्ति का यह हिस्सा बना। भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड जो लोग सरकार के पास जमा करते हैं अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, वह भी इसी के अंतर्गत आएगा। विनिवेश भी और ऋण वसूली भी इसी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, आ रही बात। तो इस प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित है सभी, 1, 2, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहता है, यह किसी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, इससे मिलने वाली राशि उस उद्देश्य पर ही खर्च की जाती है, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के साथ साथ लगाया जाता है। अब इस उत्तर को जानने, इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले, हाल ही में कुछ एक न्यूज आया था कि कोरोना सेस नाम की कोई एक चीज आने वाली है, मे बी आ सकती है। ये क्या है? तो देखिए, सेस शब्द जब हम सुनते हैं या उपकर जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक ये तरीका है कर के ऊपर कर लगाने का, टैक्स ऑन टैक्स। और इस वजह से, इस उपकर की वजह से या टैक्स ऑन टैक्स की वजह से जो आय मिलेगा, जो आय अर्जित होगा, उसका पैसा कहीं और यूज नहीं होगा, वो सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए यूज होगा जिस उद्देश्य के लिए सेस लगाया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोरोना सेस वास्तविकता में आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि टैक्स पर टैक्स लगाया जाएगा, कोरोना सेस नाम दिया गया है, और जो पैसे इस कोरोना सेस के माध्यम से अर्जित होंगे उसका इस्तेमाल इस महामारी से लड़ने के लिए ही किया जाएगा, वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा, वैक्सीन के स्टोरेज के लिए किया जाएगा, जो टेम्परेचर चाहिए वैक्सीन को स्टोर करने के लिए उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए किया जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए जाने के लिए खर्च होंगे उस खर्चों के लिए किया जाएगा। तो सेस का काम ये होता है। क्लियर है? तो सेस किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, उसी उद्देश्य में उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, और यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही करों पर लगाया जाता है। जैसे सर्विस टैक्स के साथ आपने सुना होगा कि सर्विस टैक्स के साथ कुछ स्वच्छ भारत सेस लगाया जा रहा था, तो सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कर था। आयकर के साथ में एजुकेशन सेस लगाया जा रहा था, तो आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर, तो उसके साथ भी सेस लगा। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों के साथ इसे लगाया जाता है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? उपकर या फिर सेस। क्लियर है? अधिभार क्या होता है? देखिए, सेस भी टैक्स ऑन टैक्स है और सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो तीन कथन में यहां दिया हुआ है। लेकिन अधिभार में जो टैक्स ऑन टैक्स आप देखेंगे, ये एक तरीके का पेनल्टी है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमने बिजली बिल में देखा होगा कि एक पर्टिकुलर यूनिट तक बिजली का कंजप्शन करने तक आपको एक अलग कीमत लगता है, और उस पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादा अगर आपने बिजली का उपभोग किया, कंजप्शन किया, तो पर यूनिट जो चार्ज होगा वो बढ़ जाता है और उसे अधिभार कहा जाता है। ये एक प्रकार का दंड है। क्लियर है? लोगों को रोकने के लिए, कि ज्यादा बिजली का उपयोग करने से लोगों को रोकने के लिए अधिभार लगाया गया। ठीक ऐसे कई प्रकार के और सरचार्ज होते हैं, तो सरचार्ज को एक तरीके का पेनल्टी भी कहा जा सकता है, एक्स्ट्रा बर्डन भी कहा जा सकता है, और यह भी, और ये अधिभार कहलाता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है ये भी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर इस प्रश्न का क्या है? आर्टिकल 279A। इस आर्टिकल के अंडर जीएसटी काउंसिल या फिर जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित जानकारी दी गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कर प्राप्तियों की अनुक्रियाशीलता का माप है। देखिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा।
ठीक है। और एक आपने सुना होगा टैक्स बॉयंसी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर देश की जीडीपी 100 रुपए है और टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10% है, इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को मिला, क्लियर है। और अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो 20% होगा तो मतलब टैक्स के रूप में कितना मिलेगा, 20 रुपए। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक तरीके का ऐसा माप है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि किसी भी देश में जो कर वसूली है, जो कर संरचना है, जो कर को लेकर व्यवस्था है, वो कितनी बेहतर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीडीपी के अनुपात में ही टैक्स मिलेगा, ये तो तय बात है, क्योंकि जितना ज्यादा जीडीपी होगा उतने ज्यादा लोगों की आय होगी, और लोगों की आय जितनी ज्यादा होगी उतनी सरकार को टैक्स में पैसे मिलेंगे। अगर जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन सरकार को टैक्स में पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो कर व्यवस्था है उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो होता है वो किसी भी सरकार के या किसी भी देश में जो कर व्यवस्था है उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो अच्छा है मतलब कर व्यवस्था अच्छा है, और टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर कम है तो इसका मतलब क्या है कि जीडीपी बहुत ज्यादा है, अर्थात जो कर उगाही की क्षमता है वो ज्यादा है, लेकिन कर चोरी की भी यहां पर संभावना है, इस वजह से लोग कर चोरी कर ले जाते हैं और गवर्नमेंट को जितना कर में राशि मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, कर व्यवस्था कुछ गड़बड़ है। लेकिन टैक्स बोयंसी इससे कुछ अलग कंसेप्ट है। टैक्स बोयंसी क्या करता है, यह बताता है कि जीडीपी के बढ़ते बढ़ते कितना टैक्स में पैसा मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोयंसी, बोयंट फोर्स आपने सुना होगा, ठीक है, उत्प्लावकता, ये फिजिक्स में आप लोगों ने बोयंट फोर्स सुना होगा कि जीडी, अब ये टैक्स और जीडीपी के साथ में कैसे जुड़ेगा तो इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है एरिया, ये जीडीपी है, और इस जीडीपी की वजह से इतना टैक्स यहां पर बना हुआ है, ठीक है। अब अगर जीडीपी बढ़ती जाएगी, जीडीपी मान लो बढ़ गया तो टैक्स भी क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब जीडीपी की वजह से बॉयंट फोर्स लगा, बढ़ी हुई जीडीपी की वजह से ज्यादा लोगों की आय हुई, ज्यादा आय होने की वजह से लोग करदाताओं की श्रेणी में आ गए और गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिला। तो जीडीपी की वजह से जो सरकार को कर राजस्व अधिक मिलता है उसे ही कहा जाता है कर उत्प्लावकता या टैक्स बॉयंस, क्लियर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कर उत्प्लावकता, टैक्स बॉयंस, क्लियर है। चलिए आगे, अच्छा कर अपवंचन क्या होता है, तो टैक्स इवेशन या फिर कर की चोरी, आसान भाषा। आगे बढ़ते हैं, लेफर वक्र संबंध बताता है, ये रहा लेफर वक्र, प्रश्न का उत्तर बाद में खोजेंगे, पहले इस कर्व को समझेंगे। यहां पर वाई एक्सिस में आपको दिखता है कर राजस्व और यहां पर दिखता है कर की दर। लेफर कर्व, आर्थर लेफर नामक एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये वक्र बताया। क्या समझाया था आर्थर लेफर ने, तो उस पर बात कर लेते हैं। आर्थर लेफर ने यह कहा था कि अगर कर की दर बहुत ही कम होगी, शून्य होगी, तो सरकार को कर राजस्व भी कम होगा, क्लियर है। और अगर कर की दर 100% कर दी जाएगी तो भी सरकार को राजस्व कम ही होगा या फिर शून्य होगा। तो इसका यह कतई भी मतलब नहीं है कि कर की दर को बढ़ाते जाएंगे तो सरकार को कर राजस्व में राशि अधिक प्राप्त होती जाएगी। सरकार को कर के माध्यम से अधिक राशि एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ टैक्स रेट तक ही मिल सकती है, जिसे इष्टतम बिंदु कहा गया है या जिसे मैक्सिमम पॉइंट कहा गया है। ऐसा कैसे, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए है और गवर्नमेंट ने 0% टैक्स लगाया तो गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू मिलेगा क्या, गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं कि 100 रुपए है और 10% का टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने,
तो गवर्नमेंट को कितना रुपए मिल जाएगा? 10 रुपए मिल जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति के पास में कितना रुपए शेष रह जाएगा? 90 रुपए। अब इस 90 रुपए को व्यक्ति करेगा क्या? बाजार में कुछ सामान खरीदेगा, अर्थात बाजार में मांग बनाएगा, या फिर बैंकों में जमा करेगा, बचत करेगा, या फिर कहीं पर निवेश करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा? देश की जीडीपी बढ़ेगी। देश की जीडीपी बढ़ेगी अर्थात लोगों की आय बढ़ेगी, और लोगों की आय जब बढ़ेगी तो फिर से सरकार को और राशि मिलेगी। क्लियर है? लेकिन अगर 100% ही टैक्स मैं कर दूं तो एक बार में तो सरकार को 100 रुपए तो मिल जाएगा, लेकिन क्या इस व्यक्ति के पास अब कुछ बची हुई राशि है? नहीं। तो क्या ये व्यक्ति अब ये सारी चीजें कर पाएगा, देश की जीडीपी को आगे बढ़ा पाएगा? नहीं। और अगर देश की जीडीपी आगे नहीं बढ़ी, लोगों की नौकरियां चली जाएगी, लोगों की आय नहीं होगी, तो सरकार को दोबारा कर में राजस्व मिलेगा ही नहीं। शुरुआत में हो सकता है थोड़े समय के लिए, अल्प अवधि के लिए सरकार को कर राजस्व अधिक दिखे, लेकिन एक लंबे अवधि पे तो सरकार के कर राजस्व में गिरावट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देश की जीडीपी गिर गई। इसलिए सरकार को अच्छा कर राजस्व अगर चाहिए तो लेफर वक्र कहता है कि कर की दर को एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही रखना चाहिए। इतना कम ना रखो, इस एरिया पर मत रखो कि गवर्नमेंट को राजस्व कम मिले। क्लियर है? और इतना ज्यादा भी मत रखो कि गवर्नमेंट को कर राजस्व कम मिले। तो चलिए इसमें चले आते हैं इस क्वेश्चन के सही उत्तर पर कि लेफर वक्र संबंध बताता है किसके किसके बीच, तो कर की दर और कर राजस्व के बीच। क्लियर है? चलिए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी किस कर्व के द्वारा बताया जाता है? बिल्कुल, फिलिप्स कर्व। विकास और असमानता किसके द्वारा बताया जाता है? तो लॉरेंस कर्व। क्लियर है? कर पर आधारित, इस वक्रों पर आधारित प्रश्न पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान है प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा। क्लियर है? चलिए, क्या होता है ये, क्या मतलब है इसका? प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए, सबसे पहले तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है ये जानने से पहले ये जानना होगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए, राजकोषीय घाटा एक प्रकार से ये बताता है, मान लेते हैं ये 8 लाख करोड़ है मॉनेटरी वैल्यू में, तो राजकोषीय घाटा ये बताता है कि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कितनी देयता का सृजन करना होगा, अपने कुल खर्चों को पूर्ण करने के लिए कितने देयता का सृजन करना होगा। देयता का सृजन मतलब ऐसी आय प्राप्त करनी होगी जिसे लौटाने के लिए सरकार बाध्य हो, जैसे फॉर एग्जांपल उधार के माध्यम से, ऋणों के माध्यम से, या फिर प्रोविडेंट फंड के माध्यम से, या फिर जो पोस्ट ऑफिस में पैसे जमे हैं उसके माध्यम से। तो इन सारे माध्यमों से सरकार क्या कर सकती है, ये जो घाटे हुए हैं, फिस्कल डेफिसिट हुए हैं, ये कुल खर्चों को फुलफिल नहीं कर पा रही है, उसे पूर्ण करेगी। और ये तीनों ही क्या है, सरकार के देयता के सृजन है। अब सबसे बड़ा भाग क्योंकि उधार से लाई गई राशि का होता है, इसलिए कई जगहों पर फिस्कल डेफिसिट कह दिया जाता है कि ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट कितना उधार लेगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये तो फिस्कल डेफिसिट हमने समझ लिया। प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है? देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है राजस्व व्यय का हिस्सा होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा होता है। और इंटरेस्ट पेमेंट क्यों किया जाता है कि पहले कभी उधार लिया गया था, उस उधार के बदले हमने ब्याज भुगतान किया। क्लियर है? और अगर ये ब्याज भुगतान नहीं करते तब हमें कितना घाटा होता? मान लेते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट है 6 लाख करोड़, फिस्कल डेफिसिट है 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ बताता है कि हमें इतना उधार लेना पड़ेगा, आम बोलचाल में हम भी चले आए कि इतना उधार लेना पड़ेगा, और हमने इंटरेस्ट पेमेंट निकाल कर देखा 6 लाख करोड़, और इस इंटरेस्ट पेमेंट से कुछ देश में सड़क, बांध, नौकरियां बनेंगी क्या? नहीं बनेंगी। ये तो पिछले वर्षों में लिए गए उधार की वजह से हमें कुछ चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि हम ये करने के लिए बाध्य हैं। क्लियर है? और अगर हमने पहले उधार नहीं लिया होता तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं करना पड़ता।
तो फिस्कल डेफिसिट 8 लाख करोड़ या कितना उधार लेना पड़ रहा है इस वर्ष, ये बताता है 8 लाख करोड़। और अगर हम ये इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते, अगर पुराना उधार हमारे ऊपर नहीं होता, तो वास्तविक तौर से अभी सही शॉर्ट जो खर्चे हैं उन खर्चों को पूर्ण करने के लिए हमें कितना उधार लेना पड़ता, 2 लाख करोड़ मात्र उधार लेना पड़ता। ये 8 क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी राशि तो हमें ब्याज भुगतान में चुकानी पड़ जा रही है। तो प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअल में शो करता है कि अगर ब्याज भुगतान नहीं करना होता, अगर हमने उधार नहीं लिया होता, तो वास्तविक तौर पे हमें कितनी देयता का सृजन करना पड़ता, और ये बताता है फिस्कल डेफिसिट उदाहरण के तौर पर, यहां जो उदाहरण है उसके आधार पर मात्र 2 लाख करोड़। क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अधिनियम 26 अगस्त 2003 को लागू की गई। बहुत सही। इसका उद्देश्य राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा को कम करने का प्रयास था। देखिए, जब ये घाटे अधिक बढ़ जाते हैं, तो घाटे अधिक बढ़ रहे हैं अर्थात सरकार के ऊपर लायबिलिटी या देयता अधिक है। अब इस देयता के अधिक होने की वजह से सरकार अपने व्यय को तो पूर्ण कर लेगी, लेकिन इस देयता अधिक होने की वजह से एक बहुत बड़ी समस्या देश में आ जाती है, और वह क्या है, इन्फ्लेशन। सरकार अपने व्यय पूर्ण करके अपने लिए वोट इकट्ठा कर सकती है, वोट बैंक ले आ सकती है, लेकिन इस वोट बैंक की लालच की वजह से देश में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और इस इन्फ्लेशन का जो दिक्कत है ये हर किसी को झेलना पड़ सकता है। तो सरकार ये अनावश्यक तौर से व्यय को ना बढ़ाए, वोट बैंक पॉलिटिक्स ना करे, इसलिए इन घाटों को एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही रखना चाहिए, जिसके कारण से देश में अनावश्यक तौर पर मुद्रास्फीति ना बढ़े और देश ना डूबे। सरकार या वह पार्टी जो सत्ता में है उसकी लालच की वजह से पूरे देश में रहने वाले नागरिक समस्या में ना आए, इसलिए एक कानून बना लेना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ होगा, जो कानून है उसको फॉलो करना होगा, और उसी कानून को नाम दिया गया फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, या फिर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में लाया गया। इन घाटों के लिमिट सेट किए गए 2009 तक के लिए, 2012 में और 2015 में फिर से संशोधन हुआ, 2017 में एनकी सिंह कमेटी को बैठाया गया ताकि फिर से इस जो टारगेट्स हैं, जो लिमिट्स हैं, उसके लिए कुछ अनुशंसा लाई जाए। उन्होंने अनुशंसा भी लाया, रिकमेंडेशन भी किया, लेकिन जो रिकमेंडेशन था अभी वर्तमान में वो उसके हम आसपास थोड़ा सा कम दिख रहे हैं, घाटे ज्यादा ही हैं, और अब तो घाटे और बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार को एक तरफ तो आय नहीं हुई, ऊपर से खर्चे सरकार के बहुत बढ़ गए, तो घाटा तो बढ़ेगा। खैर, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर बात करते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंह, जिसे आप एनके सिंह जी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रश्न पर चलते हैं, राजकोषीय घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को परिलक्षित करता है, बिल्कुल सही। भारत में एफआरबीएम एक्ट का सुझाव है कि राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक लाना आदर्श लक्ष्य है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों ही सही, ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है, ये चेक करना जरूर बोले, सत्य असत्य पूछ रहे क्या कर रहे। आखिरी प्रश्न पर चलते हैं, ये अंतिम प्रश्न है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री, ठीक है। जीएसटी परिषद जब आप देखेंगे तो वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके मेंबर जो होते हैं वो राज्यों से होते हैं, तो ये जीएसटी परिषद का एक अपना एक अलग मामला है। तो इस वीडियो को यहीं पर अब समाप्त करते हैं, और टॉपिक पर, अगले टॉपिक पर, अगले वीडियोस पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।